हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग सिंह एनके क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 13 अप्रैल 2020 और आज की डेट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं हम आपको ऑनलाइन डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे आज के करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड करनी हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ से बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है? इसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 है पंजाब, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है बिहार और ऑप्शन नंबर 4 है हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल लॉन्च किया है। दोस्तों अन्नपूर्णा पोर्टल के तहत फूड पैकेट्स और प्रोडक्ट की डिलीवरी होगी और आपूर्ति मित्र पोर्टल ये एक पोर्टल लॉन्च किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिससे हमें ज़रूरी सामानों की डिलीवरी जो है वो फ्री में दी जाएगी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज के दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया के ऐसे कौन से नेता हैं जिनको व्हाइट हाउस ट्विटर पर फॉलो करता है? इसके 4 ऑप्शन हैं, शिंजो आबे, शी जिनपिंग, नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर 4 है इमरान खान। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नरेंद्र मोदी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को व्हाइट हाउस जो है वह ट्विटर पर फॉलो करता है। विश्व के इकलौते ऐसे नेता हैं नरेंद्र मोदी जी जिन्हें व्हाइट हाउस फॉलो करता है। दोस्तों व्हाइट हाउस ट्विटर अकाउंट पर कुल 19 लोगों को फॉलो करता है। 19 लोगों उसमें लोग भी हैं और संस्थाएं भी हैं जिनमें से 16 जो है वो अमेरिका के लोग और संस्थाएं हैं और बचते हैं 3। इन 3 में से एक तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, दूसरा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ट्विटर फॉलो करता है और तीसरा फॉलो करता है पीएमओ का, प्रधानमंत्री कार्यालय का ट्विटर फॉलो करता है व्हाइट हाउस। दोस्तों आपको बता दें व्हाइट हाउस को जो ट्विटर अकाउंट है उस पर 21 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस देश को 1,00,000 टन गेहूं निर्यात करने की घोषणा की है? इसके 4 ऑप्शन हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान। दोस्तों अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान को 1,00,000 टन गेहूँ निर्यात करने की घोषणा की है। दोस्तों बात आती है अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है अशरफ घानी। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ई तुम्हार द्वार पोर्टल लॉन्च किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुम्हार द्वार पोर्टल लॉन्च किया है। पढ़ई तुम्हार द्वार का मतलब होता है पढ़ाई आपके द्वार। दोस्तों इसके तहत 1 से 10 क्लास के बच्चे अपने घर पर इस पोर्टल के जरिए फ्री में पढ़ सकते हैं। दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने अपने कर्मचारियों का COVID-19 परीक्षण करने के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है? इसके 4 ऑप्शन हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ईबे और शॉपक्लूज। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अमेजॉन। अभी हाल ही में अमेजॉन ने अपने कर्मचारी का COVID-19 परीक्षा करने के लिए प्रयोगशाला बनाने की घोषणा की है। दोस्तों बात आती है अमेजन की, तो अमेजन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोज, और इसकी स्थापना अमेजन की कब हुई थी? 1994 में। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है सीटल
वाशिंगटन यूएस में। दोस्तों आपको बता दें अभी फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस जी, इन्हें नंबर 1 पायदान पर रखा गया है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने कोविड-19 के लिए नड्डी ऐप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुडुचेरी। अभी हाल ही में पुडुचेरी जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसने नड्डी NADDI मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों बात आती है पुडुचेरी की। पुडुचेरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का केंद्र शासित राज्य है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1954 में। इसकी कैपिटल क्या है? पुडुचेरी। इसके उपराज्यपाल कौन है? उपराज्यपाल कौन है? किरण बेदी। इसके सीएम हैं वी नारायण स्वामी। दोस्तों ये जो नड्डी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है ये कोरोना की ट्रैकिंग ट्रेसिंग और कोरोना की फैलाव को रोकने के लिए मददगार साबित होगा। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगला क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शांत हीरा नंद चावला का निधन हुआ है, वह कौन थी? इसके 4 ऑप्शन हैं, लेखक, अभिनेता, गायक और पत्रकार। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गायक। दोस्तों गायक, अभी हाल ही में गायक शांत हीरानंद चावला का निधन हुआ है, ये पद्मश्री से सम्मानित थी। दोस्तों बात आती है भारत में दिए जाने वाले सम्मान की, नागरिक सम्मान की। तो सब भारत में सबसे बड़ा जो नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है। पहले नंबर पर भारत रत्न, दूसरे नंबर पर दिया जाने वाला सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और चौथे नंबर पे पद्म श्री। ये भारत सरकार द्वारा नागरिक को सम्मान दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, इंडियन रेलवे और गूगल। दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन रेलवे ने मोबाइल डॉक्टर बूथ चरक बनाया है। दोस्तों बात आती है इंडियन रेलवे की। तो इंडियन रेलवे अपने जितने भी रेलवे के डिब्बे हैं उनको आइसोलेशन बना रहा है, मतलब उनको आइसोलेशन वार्ड बना रहा है। दोस्तों अभी हाल ही में रिहैबिलेशन वर्कशॉप भोपाल ने मोबाइल बूथ का इनोवेशन किया है जिसका नाम चरक रखा गया है। दोस्तों इसके अनुसार रेलवे के डिब्बे में एक ही वायरल बैरियर चैम्बर बनाया गया है जिसके जरिए डॉक्टर और मरीज को बिना छुए हुए, मतलब डॉक्टर बिना मरीज को छुए हुए उसकी जांच कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किसकी पुस्तक द बाइजेनॉल्ड सीरीज 1 का विमोचन हुआ है? इसके 4 ऑप्शन हैं, सिमोना हालेप, ऑप्शन नंबर 2 है कोबी ब्रायंट, सेरेना विलियम्स और ऑप्शन नंबर 4 है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों अभी हाल ही में कोबी ब्रायंट जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध बास्केटबॉल प्लेयर थे, इनकी पुस्तक द बाइजेनॉल्ड सीरीज 1 का विमोचन हुआ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कोबी ब्रायंट। दोस्तों कोबी ब्रायंट की दुर्घटनाग्रस्त में मृत्यु हो चुकी है। कोबी ब्रायंट ये अमेरिकन बास्केटबॉल प्लेयर थे,
इनकी मृत्यु 26 जनवरी को एक हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनेयर्स की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है। इसके चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है काइली जेनर, ऑप्शन नंबर दो है अलेक्जेंडर एंडरसन, ऑप्शन नंबर तीन है कैथरीना एंडरसन, ऑप्शन नंबर चार है एलियाना जोन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक काइली जेनर। दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनेयर्स की लिस्ट में काइली जेनर को प्रथम स्थान पर रखा गया है। दोस्तों बात आती है काइली जेनर की, तो काइली जेनर इनकी कुल संपत्ति है $1 बिलियन और इनकी एज है 23 ईयर। ये इन्हें फोर्ब्स द्वारा जारी यंगेस्ट बिलियनेयर्स की लिस्ट में नंबर एक पायदान पर रखा गया है। नंबर दो पे हैं अलेक्जेंडर एंडरसन, इनकी एज है 24 और इनकी कुल संपत्ति है $1.1 बिलियन। नंबर तीन है कैथरीना एंडरसन, नंबर तीन पायदान पे, इनकी एज है 25 वर्ष और इनकी नेटवर्थ है $1.1 बिलियन। दोस्तों अलेक्जेंडर एंडरसन और कैथरीना एंडरसन ये दोनों सगी बहनें हैं। तो दोस्तों ये रहे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।